मैं आज मैकेनिकल वर्कशॉप कोड 108 के अंतर्गत कारपेंटरी शॉप में टेनन एंड मोर्टाइज जॉइंट बनाने की विधि एवं जिन जो औजारों एवं रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है उसके बारे में जानेंगे। टेनेंसा, प्लेन, रंधा, ट्राई स्क्वायर, फार्मर चीजर, मार्किंग गेज, मार्किंग नाइफ या पेंसिल, स्केल या मेजरिंग टेप, मेलर, कारपेंट्री वाइस, मोर्टाइज चीजर, रॉ मटेरियल में वुडन पीस साइज 300 mm लंबा, 50 mm चौड़ाई, 35 mm मोटाई का एक पीस, सैंड पेपर 100 नंबर का एक फिनिशिंग के लिए। अब इसमें जो सावधानियां रखनी है वो ये है, औजारों में ठीक से धार लगी हुई है या नहीं ये देख लें। दूसरा, और आरी में दांतों की सेटिंग हुई हो रंधा चलाते समय एकदम सामने कोई नहीं हो, क्योंकि उससे उसे किसी और सामने वाले को चोट लगने की संभावना रहती है। रंधा वर्क बेंच से नीचे गिरे नहीं इसका ध्यान रखना चाहिए। धार वाले औजारों को आपस में व लोहे की वस्तु से टकराना नहीं चाहिए। कारपेंट्री कार्य के पश्चात वाइस को खुली नहीं छोड़ें, उसे वापस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से अगर खुली रहेगी वाइस तो दूसरों को चोट लगने का खतरा रहता है। कार्य के पश्चात औजारों को व्यवस्थित यथास्थान रखने चाहिए। ड्राइंग में दिखाए गए टेनन एंड मोर्टाइज जॉइंट को बनाने के लिए हमें 300 mm, 50 mm एवं 35 mm साइज के लकड़ी के टुकड़े को ड्राइंग पार्ट एक के अनुसार बनाने के लिए हम 300 mm, 50 mm साइज के लकड़ी के टुकड़े को ड्राइंग पार्ट एक के अनुसार बनाने के लिए सर्वप्रथम हम एक सरफेस को रंधे की सहायता से समतल करेंगे। ये सरफेस है, इस सरफेस को रंधे की सहायता से समतल करेंगे। ये समतल करने के बाद इसके ऊपर राइट मार्क का निशान लगाएंगे। जब राइट मार्क का निशान लग जाए, ये सीधा और फ्लैट हो जाए, उसके पश्चात साइड की तरफ रंधा लगाते हुए इसको 90 डिग्री के एंगल में ट्राई स्क्वायर से चेक करते हुए रंधे की सहायता से समतल कर देंगे। इस पर होने के बाद इसके ऊपर भी राइट मार्क का निशान लगा देंगे। जब दो साइड हो जाए उसके बाद ड्राइंग पार्ट एक के अनुसार इसकी चौड़ाई निकालने के लिए इस साइड से राइट मार्क किया हुआ है, वहां से 45 mm, 45 mm और यहाँ से 45 mm का निशान लगा के मार्किंग गेज की सहायता से मार्क करेंगे। इधर भी 45 mm का मार्क करेंगे। इसके पश्चात जो एक्स्ट्रा लकड़ी हो 45 mm से ज़्यादा उसको रंधे की सहायता से छील के समतल कर देंगे। इस तरह एक पार्ट दो और तीन भाग हो जाएंगे। अब सरफेस एक भाग मोटे वाला बचेगा, जिसको करने के लिए जिस तरफ राइट मार्क किया हुआ है सरफेस की तरफ, वहाँ से 33 mm यहाँ निशान लगाएंगे। 33 mm का निशान ऐसे लगाएंगे, इधर से भी 33 का निशान लगा के 33 mm का मार्किंग गेज की सहायता से इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगा के इससे ऊपर इसको छील देंगे। इस प्रकार पार्ट एक के अनुसार 300 mm लंबा, 45 mm चौड़ाई, 33 mm साइज का एक पीस तैयार
तैयार हो जाएगा। इसके पश्चात एक सौ पचास एमएम के इस 150 mm 150 mm के दो पार्ट अलग कर लेंगे। पार्ट टू की मार्किंग इसको पहले बनाने के लिए इस तरह से 150 mm लंबा, 150 mm की लंबाई, 45 mm चौड़ाई हो, 33 mm की मोटाई। इस तरह से इस मोटाई की मार्किंग के लिए सबसे पहले हम इस पीस की टोटल लंबाई का सेंटर लेंगे। 150 का 75 mm सेंटर होगा, चौड़ाई 45 mm, 22.5 mm, 22.5 mm यहाँ लगाएंगे। राइट एंगल की सहायता से इस तरह इस मार्किंग को 90 डिग्री में कर लेंगे। इसको चारों साइड इसी तरह से 90 डिग्री में ट्राई स्क्वायर की सहायता से राइट एंगल में कर लेंगे। इस तरह इसके चारों साइड राइट एंगल में निशान लगाने के बाद इसकी मोटाई की तरफ जो कि 33 mm है, इसके तीन इक्वल पार्ट करने हैं जो 11 mm 11 mm के होंगे। इसमें भी 11 11 एमएम के तीन पार्ट होंगे, तो 11 एमएम का मार्किंग गेज से निशान लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, इसी तरह से इधर से भी लगाएंगे, इधर से भी लगाएंगे। इस प्रकार तीनों भाग इक्वल करने के बाद इस बीच वाले भाग को मोर्टाइज चीजल की सहायता से निकालना है। ये मोर्टाइज चीजल और मेलेट की सहायता से इसको काट के निकालना है। ऐसे एक कट यूं लगाएंगे, फिर इसको तिरछा करेंगे, फिर यहाँ गड्ढा लगाएंगे, फिर इसको तिरछा करेंगे। इस तरह से एक बार सीधा ऐसे हमारे चोट करेंगे, फिर इस तरह से करेंगे। ऐसे करते हुए आधा भाग इधर से निकालेंगे और आधा भाग इधर से निकालेंगे। इस प्रकार की पीस पार्ट नंबर 2 तैयार हो जाएगा। फिर पार्ट नंबर 3 को बनाने के लिए यहाँ से 45 mm, यहाँ से लेके ये 45 mm, ये 45 mm का निशान लगाएंगे। इसको ट्राई स्क्वायर से 90 डिग्री में चारों साइड लगाएंगे इस तरह से, इधर भी सीधा लगाएंगे और इधर से, इस तरह से इसको चारों साइड जब इस तरह से निशान लग जाए, अब उसके बाद इसमें भी तीन इक्वल पार्ट करने हैं। इसमें भी 11 mm 11 mm और 11 mm के होंगे। 11 mm का सीधा निशान यहाँ लगेगा, यहाँ से भी इधर लगेगा, इधर से भी यहाँ लगेगा, फिर इधर से भी सीधा यहाँ लगेगा, इधर से भी ये लगेगा और इधर से ये यहाँ लगेगा। इधर से शुरू करेंगे राइट मार्क की तरफ से, तो 11 mm यहाँ से होगा सीधा, फिर नेक्स्ट 22 mm सीधा निशान लगेगा। इसको तीनों साइड सीधा उतार लेंगे। उसके पश्चात टेनन सा की सहायता से इस टेनन को बनाने के लिए यहाँ से अपन सीधा कट लगाएंगे। आरी में हमेशा जो भाग काट के निकालना होता है, आरी हमेशा उधर की तरफ ही रखनी चाहिए। इतनी रखें कि आधा पार्ट मार्किंग कट जाए और आधी रह जाए। इस तरह से यहाँ से सीधा कट लगाते हुए यहाँ तक लाएंगे। इसमें बीच का भाग रखना है, साइड का काटना है, तो मार्किंग के इधर इतना रखें आधी मार्किंग कट जाए और आधी रह जाए। इस तरह से इसको सीधा कट लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। जब ये दोनों कट लग जाए, ये वाला पार्ट इसको काटने के लिए इसमें भी मार्किंग की यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से सीधा कट लगाएंगे यहाँ तक और यहाँ से सीधा यहाँ तक। इसमें थोड़ी सी सावधानी ये रखेंगे कि जब आरी शुरू करें तो इधर की तरफ होगी मार्किंग के,
और जब यहाँ तक पहुँचे तब तक मार्किंग के इधर की तरफ आ जाए ऐसे, तो ये कट लग जाए सीधा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा कट भी इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है। ऐसे दोनों कट लगने के बाद ये दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे और बीच का भाग रह जाएगा। अब इस वाले पार्ट को इस पार्ट के साथ जोड़ना है, मार्किंग इक्वल होनी चाहिए, दोनों तरफ बराबर हो ऐसे, ताकि ये वाला पार्ट टेनन कहलाता है, ये इसका गड्ढे वाला भाग मोर्टाइज है। तो टेनन एंड मोर्टाइज, ये पार्ट टू पार्ट थ्री दोनों मिलके टेनन एंड मोर्टाइज जॉइंट बन जाएगा।